गलत तो नहीं कर दिया 61% पे चार्जिंग रुका के ले लद्दाख का एक्सपीरियंस। तो 61% गाड़ी चार्ज कर दिया, 116 का रेंज बता रहा है और सम 110 के आसपास तो अपने वो किलोमीटर कुछ कवर करना है तो औरंगाबाद पहुंचने के लिए, तो होपफुली हो जाएगा आराम से एंड विल चार्ज 100% एंड देन मूव अहेड टू जलगांव। परसेंट पे पहुंच गए, 55 का माइलेज कार बता रहा है। वन गुड थिंग के बहुत ज़्यादा डाउन हिल मिला है, थोड़ा सा एक चढ़ान आया था बट देन थोड़ा सा मैं एक्चुअली डर गया था कि गलत तो नहीं कर दिया 61% पे चार्जिंग रुका के, बट जो डाउन हिल उसके बाद में मिला है वॉट आर लिटरली 109 तक भी पहुंच गया था बीच में, अभी 118 है। 27 किलोमीटर टोटल जाना है अभी मुझे एंड कार 54 अभी भी बता रहा है, तो आई गेस नहीं इजीली हो ही जाएगा, वी शुड रीच विद इनफ बैटरी रिमेनिंग। रोड इज क्वाइट डिसेंट अगेन लाइक मॉर्निंग, बीच बीच में कहीं कोई क्राउडेड एरियाज आ जाते हैं, अदरवाइज रोड इज क्वाइट एम्प्टी और मज़ेदार है एंड लविंग द एंजॉइंग द ड्राइव एंड कम्फर्ट ऑफ द कार तो आपको पता ही है इस नेक्स्ट लेवल, तो लविंग द ड्राइव। ओके फाइनली औरंगाबाद पहुँच गए, 10% बैटरी रिमेनिंग, 21 गाड़ी बोल रहा है, बैटरी लो का वार्निंग आ रहा है 10% पे, 118.8 किलोमीटर्स का किया है तो 10% 61 पे निकले थे, 51% पे 118.8 किलोमीटर्स कवर कर लिया है हमने। गुड माइलेज आई वुड से डिसेंट है, वाटर एज अ सेट के डाउनहिल आ गया था तो वाटर भी अच्छा मिला है। एमजी शोरूम के बाहर खड़े हैं, थोड़ा एक ना चली वंस अगेन गाड़ी खड़ा है अंदर, बट आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन, अगर वो देखता हूँ कहाँ पर है नहीं तो फिर मैं दूसरे चार्जिंग पॉइंट पे चले जाऊँगा। आई विल नॉट वेट हियर फॉर दिस गाय टू गेट डन, जाके देखते हैं इसका क्या स्टेटस है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, समथिंग इंटरेस्टिंग, नगर में जो हमारे साथ में बंदे लोग थे जो सबसे पहले चार्ज कर रहे थे उनकी गाड़ी यहाँ पर चार्ज हो रही है एंड देर एट 66%, बट वी हैव अनदर चार्जर थोड़ा सा 10 मिनट के डिस्टेंस पे एक और चार्जर है तो अभी वो वाला चार्जर ट्राई करते हैं। अभी टाटा मोटर्स पे पहुंच गए हैं एंड फन थिंग इज के 10 किलोमीटर्स का कुछ हमारा डिस्टेंस था एंड वी कवर्ड इट इन जस्ट 4% बैटरी एंड एक्चुअली 3% ही है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही चेंज हुआ है 6% पे, तो लाइक से 4% बैटरी में हमने 10 किलोमीटर्स क्लोज किया, 10-11 किलोमीटर्स। सो अभी चार्ज पे डालते हैं, कुछ खाते हैं, दोपहर से कुछ खाया नहीं है, डिनर भी कर लेते हैं एंड देन क्विकली वी लीव फॉर जलगांव। चार्ज टू 100%, 180 आउट किलोमीटर्स कुछ जाना है मुझे एंड 100% क्यों चार्ज किया क्योंकि ये रूट पहली बार ले रहा हूँ मैं एंड आई डोंट नो आगे क्या टेरेन मुझे मिलने वाला है। सेकेंडली आई डोंट नो कितना 180 किलोमीटर्स बोल रहा है कितना होगा, तो इट्स बेटर फुल चार्ज करके एटलीस्ट 200+ किलोमीटर का रेंज मुझे मिनिमम मिल जाएगा मोस्टली, तो अगर घाट भी होगा तो 180 किलोमीटर्स मोस्टली हो जाना चाहिए इजिली। सो डन विद 100% चार्जिंग, लीविंग फॉर जलगांव फाइनली। रोड्स तो बेसिकली अच्छे ही हैं बट बीच बीच में एक आधा ऐसा कोई पैच आ रहा है जहाँ पर रोड का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, सो नाइट टाइम के लिए एक थोड़ा सा वो चैलेंजिंग है, तो ड्राइव करते वक्त अगर आप ये रूट पे हो तो थोड़ा सेफ रहिए। रेस्ट ऑल ट्रैफिक इतना नहीं है बट एकदम सुनसान भी नहीं है, सो आई एम सीइंग अ फ्यू पीपल कमिंग अप गोइंग डाउन लाइक यू नो आराम आराम से, ट्रक्स हैं इवन टू व्हीलर्स जैसे कि अभी एक पास हुआ है कार्स है, तो नॉट कम्प्लीटली अ डेड रूट और एनीथिंग, मतलब अभी इतना लेट नाइट होने के बावजूद थोड़ा बहुत क्राउड आते जाते दिख रहा है, सो दैट्स समथिंग गुड, थोड़ा सिक्योर फील होता है कि यू आर नॉट अलोन ऑन द हाईवे। नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, मतलब
एवरी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में खराब पैच आ रहा है, बट द वे द कार इज परफॉर्मिंग इज अमेजिंग. मतलब इवन द जर्क्स आर वेरी सटल. ऐसे ऐसे बैचेस आ रहे हैं जहाँ पे रोड ही बिल्कुल नहीं है, जैसे कच्चा रास्ता बना हुआ है. रियली अमेज एंड हैप्पी विद द होल एक्सपीरियंस ऑफ द कार. मतलब ऑफ रोडिंग मतलब नेक्स्ट लेवल हो रहा है यहाँ पर. से एक अच्छा पैच आ गया है. वन थिंग फॉर श्योर, एक जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा, रोड्स बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं. दो 4 लेन रोड्स हैं, 2 लेन ईच साइड, बट वेरी स्मूथ एंड वेरी नाइसली लिट. मतलब ऑल दीज रिफ्लेक्टर्स और मार्कर्स सब कुछ जगह पे है, एंड इजीली आई एम डूइंग 70-80 का स्पीड वंस आई टच ऑन दी स्मूथ रोड्स. तो होपफुली बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट हो जाएगा, एंड कमिंग टू जलगांव विल नॉट बी दैट मच ऑफ अ हैसल. और एक ऑल्टरनेट रूट है नासिक से जिसपे, बट चार्जर का इशू है. एक धुले करके एक एरिया है जहाँ पर स्टैटिक का चार्जर बहुत ही जल्द आ जाएगा, बट स्टिल वो रूट पे चार्जर कम है. और यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिवली बेटर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था ये रोड पे, सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस रोड. इस वक्त तो सब बढ़िया चल रहा है, बट ओनली वन थिंग इज के जो अभी ये घाट उतरे हैं उसने मेरे को एक टेंशन पे डाल दिया है कि जाते वक्त वापस उसको चढ़ना भी पड़ेगा. एंड इमेजिन द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक दैट आई विल फेस इन दैट एरिया. लाइक यू नो, होपफुली जस्ट बिकॉज रोड इतनी कुछ अच्छी नहीं है, बीच में पैचेस अच्छे नहीं है, तो बहुत कम लोग ये रोड ले रहे हैं, तो मुझे जाते वक्त ज़्यादा तकलीफ ना हो. बट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज हार्डली 180-170 किलोमीटर्स के लिए 4 घंटा 4.5 घंटा ये दिखा रहा था, तो उस हिसाब से आई वॉज थिंकिंग कि कुछ तो भी रोड का इशू होगा या तो समथिंग इज रॉन्ग इन बिटवीन, एंड वी फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग. एक चीज अच्छा हो गया कि आई गॉट टू टेस्ट दिस कार्स एबिलिटी टू द फुलेस्ट. जो ऑफ रोडिंग हुआ है, जिस कंडीशन में मैंने गाड़ी चलाई है, एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कार. थिंग लेस देन एनी बिग एसयूवी,
सस्पेंशन एंड एवरीथिंग, ज़्यादा कुछ जर्क्स नहीं आए, कुछ नहीं आया. आई एम रियली रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कार व्हेन इट केम टू दैट पैच ऑफ द रोड जो घाट में उतरा हूँ अभी. एंड इवन राइट नाउ इफ यू सी आई एम क्रूजिंग एट नाइसली एट 80 का स्पीड. इवन दो पैचेस थे बीच में बहुत सारे जहाँ पे मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, बट दीज रोड्स विच दे मेड, जो नए रोड इन्होंने बनाए हैं 70-80 का स्पीड पे क्रूज करने की वजह से, ये वाले रोड्स पे आराम से मैं जो टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है उसको कवर अप कर रहा हूँ. इनफैक्ट जब मैं निकला था तब 4 बजे के ऊपर का टाइमिंग एस्टिमेट था और अभी देखिए 3 बजे का टाइमिंग एस्टिमेट, 3:18 का एस्टिमेट आ रहा है. तो मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा कवर अप कर लिया है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप के जो एस्टिमेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ रोड्स, मतलब इतना तेज में, मतलब 70-80 का स्पीड टच कर पा रहा हूँ, तो मैं ये जो कवर अप भी बहुत फास्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को. और आई फाइनली रीच माई डेस्टिनेशन, 3:00 बजे लैंड हुआ हूँ यहाँ पर एंड 26% बैटरी रिमेनिंग. वेरी गुड परफॉर्मेंस, 171-173 टोटल किलोमीटर्स था एंड उस पर भी विद अपहिल डाउनहिल एवरीथिंग इंक्लूडेड 26% बैटरी रिमेनिंग. तो इट्स अ डिसेंट माइलेज जो मेरे को मिला है एंड रोड का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था. लास्ट 60 किलोमीटर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे था, स्मूथ रोड्स भी थे तो साथ ही साथ रफ पैचेस भी थे. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड ड्राइविंग डाउन एंड वंस मेरे को लगता है एक बार ये हाईवे बन जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हाईवे बनने वाला है एंड दिस इज कनेक्टिंग स्ट्रेट टू नागपुर. तो the time will also cut down after, but right now when I left from Pune I was expecting around say 11-12 ghante mujhe lag jayenge, but ideally utna hi laga hai. Jo din mein fir light nahi rehne ki wajah se Ahmednagar mein jo time waste hua hai uska 2 ghanta ya kuch waisa upar chala gaya hai. Nahi to I was expecting ke 1 baje ke aas paas chala tha main Pune se, to raat ko 1 baje tak main pahunch jaunga. And general route timing, it was showing around 10 hours, 9.5-10 hours to reach Jalgaon. So overall was a very beautiful and very amazing journey. Thoda tiring hai, ho gaya hai mere liye because of the whole time wasted. But overall I had fun and thodi neend aa rahi hai. तो आराम करते हैं और सुबह आपको हम वो चार्जर दिखाएंगे जिसका मैं आपसे बात कर रहा था.